हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है इंटीजर। इस वीडियो पर आने से पहले आप इसकी प्रीवियस वीडियो देख के आइएगा, बिकॉज उसमें हमने डिस्कस की थी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। तो ये जो एक्सरसाइज है ये उन्हीं प्रॉपर्टी बेस है। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख के आइएगा, उस वीडियो को देख के आइएगा जिसमें हमने इंटीजर्स अंडर एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, बिकॉज वो प्रॉपर्टी समझ के ही आप इसको कर पाओगे। दीज आर द बेस, वो प्रॉपर्टीज़ इस एक्सरसाइज का बेस हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना शुरू करते हुए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें लिख रखा है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हूज सम इज। इंटीजर्स के पेयर बताने हैं। पेयर क्या होते हैं? जो जोड़े होते हैं। तो दो ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जिसको जोड़ के -7 आए, और दूसरे पार्ट में लिखा है डिफरेंस करके -10 आना चाहिए डिफरेंस करने पे, और तीसरे में लिखा है सम करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द होल नंबर एंड द नेगेटिव नंबर्स। यानी होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के जो पूरा सेट तैयार होता है वो इंटीजर्स कहलाता है। या आप कह सकते हो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी आपके नंबर्स होते हैं वो सबके पूरा जो सेट है वो क्या होता है? वो इंटीजर्स कहलाता है। तो आइए देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में बोला है दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिसका सम जो है वो कितना आए? -7 आए। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, आई विल टेक -6 और 1, -6 और -1, अगर मैं दो जो इंटीजर ले लूँ -6 और -1, तो आप देखो इसको सम करने पे क्या आएगा? -7 आएगा। देखिए -6 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा? +-1 करेंगे तो -6 प्लस -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब दोनों माइनस हों, जब दोनों इंटीजर के साथ माइनस हों तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, और साइन वही आता है जो बड़ी के साथ होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है, सम कब करना है? सम जो है तब करना है जब साइन सेम हो। साइन क्या हो? साइन सेम हो, सेम हो, और आंसर के साथ साइन वही आएगा जो बड़ी के साथ है। साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, बड़े नंबर के साथ है। ठीक है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दिस। देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और जब दोनों माइनस के होते हैं तब ऐड करना होता है। तब क्या करना होता है? ऐड। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब दोनों का साइन सेम हो, या प्लस के हों या माइनस के हों, तब हमने प्लस कर लेना है, और साइन वही लगाना है जो बड़ी के साथ होगा। तो -6 और -1 ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 7, और क्योंकि 6 के साथ माइनस है तो आएगा -7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही उन्होंने कहा था सम करके कितना आना चाहिए? -7। तो हमने भी जब सम किया तो आंसर कितना आ रहा? -7। ऐसा ही एक और नंबर ले सकते हैं हम, ऐसा ही हम एक और नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट आप समझ पाओ। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ऐसे ही मैंने एक नंबर और ले लिया, ये इसका फर्स्ट फर्स्ट एग्जाम्पल, और इसकी दूसरी एग्जाम्पल आप समझो। तो मैंने लिया -4 और -3। कैसे लिखेंगे? -4 प्लस -3, क्योंकि ऐड कर रहे हैं दोनों इंटीजर्स को, क्या कर रहे हैं? ऐड। -4 प्लस -, होता है 3 लग जाएगा, दोनों साइन सेम है तो ऐड करेंगे, 4 और 3 7 हो जाएगा, और क्योंकि 4 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ए पार्ट का आंसर, जिसके अंदर ये दे रखा था कि जो सम है वो -7 है। ऐसे ही और बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हो जिसमें कि जब आप जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? -7 आएगा। ऑलवेज कीप इन माइंड। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर आपने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को क्यों लिया, पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? तो बेटा आप एक नेगेटिव लेकर एक पॉजिटिव लेकर भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सम करने पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सम करने पे। तो अगर आप कोई एक नेगेटिव और पॉजिटिव लेकर बनाना चाहते हो तो तीसरी एग्जाम्पल देखो, इसमें एक ले लो -8 और 1 ले लो 1। ठीक है, तो अपोजिट साइन लेने हैं -8 प्लस 1। आपके देखो साइन जब भी अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा, आपने दिमाग में रखना है। ऐड कब करना है? जब साइन सेम हो। यहाँ साइन क्या है? अलग अलग है, तो माइनस करेंगे, 8 में से 1 निकालेंगे 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? -7। तो मैंने फर्स्ट ए पार्ट के आपको 3 एग्जाम्पलें दी हैं, आपने तीनों नहीं करनी है,
आपने कोई एक एग्जांपल देनी है, क्योंकि यहाँ पे पूछा राइट डाउन ए पेयर। ए पेयर का मतलब होता है एक ही पेयर बताना है, चाहे ये बता दो, चाहे ये बता दो, चाहे वो बता दो, वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका ए पार्ट समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से नोट करो, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है आपका पार्ट नंबर बी, उसके ऊपर बात करते हैं। पार्ट बी, बी पार्ट के अंदर दे रखा है डिफरेंस इज माइनस 10, यानी जब हम उसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। क्योंकि यहाँ दे रखा है इंटीजर कौन से लेने था, आप ऐसा ले सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। एक ले लिया माइनस 5, दूसरा ले लिया 5। अब देखो माइनस 5 माइनस माइनस 5 सॉरी माइनस 5, क्योंकि यही बोला था क्या करना है दोनों को, माइनस इसको इसको इसमें से घटा देना है। तो माइनस 5 माइनस 5, तो माइनस 5 माइनस 5, और मैंने कहा जब साइन सेम हो तो क्या कर लेना है, ऐड। और दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया, तो कितना आ गया, माइनस 10, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, क्योंकि सेम है बट साइन माइनस क्या आएगा, क्योंकि दोनों सेम है और माइनस साइन है, तो माइनस 10 आ जाएगा। अंडरस्टूड? एक एग्जांपल और लेके समझ सकते हैं। माइनस 20 और 10 की एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो माइनस 20 ए और माइनस किसको करना है, डिफरेंस करना है हमें, तो यू हैव टू बी कीप इन माइंड कि इसको आप माइनस का लो, दोनों को किसका ले लो, माइनस का। जब इसको भी माइनस के लिया तो माइनस माइनस 10 हो जाएगा, कितना जाएगा, माइनस 20 प्लस 10। अब क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, अपोजिट साइन पे क्या करते हैं, माइनस, साइन वही आएगा जो बड़ी के साथ है। 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10, और बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप बहुत सारे और जो है वो इंटीजर्स का सेट बना सकते हो, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आंसर कितना आएगा, माइनस 10 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव टू योर पार्ट नंबर सी। चलिए पार्ट नंबर सी पे आते हैं। पार्ट नंबर सी पे क्या लिखा है, पार्ट सी की अगर हम बात करें, लिखा सम इज जीरो, सम क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, देखो एक माइनस 3 ले लो, एक 3 ले लो, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। सेम वैल्यू पे माइनस 3 प्लस 3, 3 में से 3 गया, जीरो बच गया। ऐसे आप बहुत सारे इंटीजर बना सकते हो, ठीक है, माइनस 4 और 4, ठीक है, वैसे ही माइनस 5 और 5। तो आप कितने भी इंटीजर्स बना सकते हो, कितने भी ऐसे पेयर बना सकते हो जिनका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, सेम वैल्यू, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पाओगे कि उसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए नोट करिए और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या लिखा है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 8, जिसका डिफरेंस जो है 8 है। ऐसे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, यानी आपको दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, जिसको जब आप डिफरेंस करो तो आपका आंसर जो है वो कितना है, 8 आए। डिफरेंस कितना आए, 8 आए। सो इसको करने का एक और तरीका भी होता है। आप देखो, आपको पता है 8 कैसे आता है, देखो 8 अगर मैं ऐसा करूँ 10 में से 2 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव लेने हैं। इंटीजर्स कैसे लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। तो ये आप माइनस 2 एंड 10, माइनस 2 एंड माइनस 10, मैंने दो नंबर ले लिए, माइनस 2 और माइनस 10। अब देखिए माइनस 2 को इसमें से माइनस करूँगा, देखो क्योंकि मुझे पता है 10 अगर मेरा प्लस का जाएगा तभी मेरा 8 प्लस का आ रहा है, 10 मेरा किसका है, प्लस का, तभी तो मेरा आंसर प्लस का आ रहा है यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ यही करना है, आपने दोनों को माइनस ले लिया क्योंकि उन्होंने कहा नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, क्योंकि प्लस किसको करना था, 10 को, इसलिए इसको बाद में लिखा मैंने, इसलिए 2 में से इसको घटाया। तो माइनस 2 प्लस 10 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये एक ऐसा इंटीजर हो गया जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करा तो आपका कितना आ रहा है, 8 हो रहा है, माइनस 2 एंड 10।
ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं अगर मैं इसको और थोड़ा सा करूं तो। आगे बढ़ते हैं, 12 में से अगर 9 को माइनस करूं, सॉरी 3 आ जाएगा, एक सेकेंड, 12 में से अगर मैं 4 को माइनस करूं तो मेरा आंसर 8 आता है। अब क्योंकि मुझे 12 प्लस करना है तो मेरा जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -4 -12, क्योंकि इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 4 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये प्लस का हो जाएगा। वही तो बोला है उसने कि डिफरेंस करना है, तो -4 -12, ठीक है। तो -4 -12 प्लस हो गया 12, और 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से रहा। ऐसे ही बहुत सारी और एग्जांपल ले सकते हो, बस यहाँ पे बनाते चलना किस तरीके से आप इसको करने वाले हो। 13 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 13 प्लस का करना है तो आपके नंबर क्या बने, -5 और -13, तो -5 -13। जब आप ऐसे लिखने वाले हो तो -5 -और -, प्लस हो जाएगा। 13 में से 5 को घटाओगे आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हो। आपको कोई एक पूछा है, राइट, ए पेयर पूछा है, तो आपको एक पेयर बनाना है। मैंने आपको 3-3 एग्जांपल इसके अंदर दे दी है कि आप किस तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स के पेयर को बना सकते हो जिसका डिफरेंस क्या है, 8 है। बस आपको थोड़ा सा रफली यहाँ कैलकुलेट कर लेना है किसको किस में से घटाने पर 8 आता है, और क्योंकि ये प्लस का है पहले दोनों के साथ माइनस लगा लेना है, और बड़े को छोटे में से सब्ट्रैक्ट कराना है, बड़े को छोटे में से निकालना है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको दो बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा प्लस का हो जाएगा। बड़े में से छोटे को माइनस करने पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, और आपको आंसर भी पॉजिटिव में ही पूछा है तो आपको उसी में लिखना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चल बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेट्स टेक दिस। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर ऑफ ओन, एक सेकेंड, राइट अ पेयर नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हूज सम इज, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हूज सम इज -5। सॉल्यूशन आपने लेना है, नंबर 6 में से एक कम करूंगा तो 5 आ जाएगा, 6 में से एक कम करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये मैं इसको नंबर को कैसे ले सकता हूं, क्योंकि ये बड़ा माइनस का है, तो यहां माइनस होगा ये प्लस का हो जाएगा, तभी तो -5 आएगा, ठीक है। तो करिए, आपके पास नंबर क्या आया, -6 और 1, तो -6 + 1 ऐड करेंगे आंसर कितना आएगा, -5, एक पेयर जे हो जाएगा। ऐसे ही आप नंबर लेते जाओ, बस सब्ट्रैक्ट करना है, कीप इन माइंड कि आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और नंबर लो, और ले सकते हैं -5 और यहाँ +2, यहाँ 7 कर लो, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5, तो यहाँ नंबर क्या बनेगा, -7 और 2, तो -7 + 2 क्या हो जाएगा, -5, एक इंटीजर ये बन जाता है। वैसे आगे चलो, 8 में से कितना निकालेंगे, 3 निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 8 को माइनस का कर दो और 3 प्लस का हो जाएगा, तो -8 + 3, 8 में से 3 गया कितना बच गया, -5। इस तरीके से आप इंटीजर जो है निकाल सकते हो, -9 और यहाँ 4 हो जाएगा अगर आप इसको करते हो, -9 और 4, तो कितना हो जाएगा, -9 + 4, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, -5, क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे आप नंबर इसमें एक एक बढ़ाते जाओगे, 10 आएगा फिर 5 आएगा, बढ़ा सकते हो, कीप इन माइंड। लेकिन आपको सारे नहीं पूछे हैं, कोई एक पूछा है तो आपने वही लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो यू विल गेट दिस। 1, 2, 3, 4, 4 एग्जाम्पल मैंने दी, लेकिन आपको सिर्फ एक पूछी है, यू हैव टू राइट एनी वन ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। चलो
एक नेगेटिव लेना है, दूसरा पॉजिटिव लेना है, जिसका सम जो है वो कितना हो, माइनस पाँच हो। सम क्या हो जी, माइनस पाँच हो, ठीक है, उस सम इज माइनस फाइव। देखिए हमें पता है तीन प्लस दो कितना होता है, पाँच होता है, लेकिन हमें ये कहा रखा है एक नेगेटिव का होना चाहिए, तो मैं तीन को माइनस का लिख देता हूँ नेगेटिव, और मुझे कहा गया है ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। ओके यहाँ माइनस थ्री है, सम इज माइनस थ्री, हुज डिफरेंस, ओके सम भी नहीं पूछा है, डिफरेंस पूछा है, हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री और पार्ट सी, यस हुज डिफरेंस, डिफरेंस इज माइनस थ्री, माइनस थ्री डिफरेंस पूछा है। चलिए तो माइनस थ्री अगर डिफरेंस पूछा हुआ है तो मैं लेता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ले लिया माइनस टू और वन, जब मैं इन दोनों को लूँगा मुझे पता है दो में एक जोड़ने पे क्या हो जाता है, तीन हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ऑटोमेटिकली आएगी डिफरेंस के कारण, माइनस टू माइनस वन, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी, तो माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके तो अगर मैं इसको माइनस वन और टू लिख दूँ यहाँ पे तब भी बन जाता है माइनस वन, और क्योंकि माइनस करना है तो माइनस टू, ये पेयर है तो कितना आएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एक नंबर बनेगा, इसमें एक आपने नेगेटिव ले लिया, दूसरा आपने पॉजिटिव ले लिया और माइनस करा तो आपका आंसर माइनस तीन आया, यहाँ भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों को माइनस करा तो आंसर कितना आया, माइनस तीन आया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर टू का सी पार्ट समझ में आ गया होगा, मैंने सबको, मैंने लगभग आपके सबके पार्ट जो है ना दो तीन, मतलब एक क्वेश्चन के दो तीन एग्जांपल दे दिए हैं, लेकिन आपको एक एक पेयर पूछा है, आपने एक एक पेयर ही लिखना है, बस इस तरीके से पेयर बनाने की कोशिश करिए, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ही समझ आएगी, ठीक है, बिकॉज मैथमेटिक्स जो होता है ये प्रैक्टिस की गेम है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका दिमाग उस, आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको उस तरीके से काम करना शुरू करेंगे, और आप जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे अगर आप उसमें और मेहनत करते हो। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो क्या कहता है, इन ए क्विज, एक क्विज होता है, टीम ए स्कोर्ड माइनस 40-10-0 एंड टीम बी माइनस 40-10-0 इन थ्री सक्सेसिव राउंड्स, विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर करा, और कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम कह सकते हैं हम इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्कोर ऑफ, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए, टीम ए का टोटल स्कोर देखो तो क्या है, माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0, सिंस 0 तो काउंटेबल होगा नहीं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस 40 प्लस 10, और ऐड कब करना है जब दोनों साइन सेम हो, यहाँ साइन अपोजिट है तो माइनस करेंगे, 40 में से 10 गया तो 30 बचा, और क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 30, ठीक है। तो अभी टोटल स्कोर ऑफ टीम बी का कितना स्कोर है, माइनस 40 प्लस 10 प्लस 0 कितना आया, माइनस 30, इसका भी सेम, तो पूछा है क्या दोनों का स्कोर सेम है, यस टीम ए एंड टीम बी हैज सेम स्कोर, दोनों का स्कोर क्या है, सेम है। और दूसरा ये पूछा क्या उसको हम कैसे भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होल्ड करती है, यानी आप इसको ऐसे ऐसे ऐड करो, जैसे मर्जी ऐड करो, आपका आंसर माइनस 30 ही आने वाला है। तो आपका आंसर क्या है, यस यू कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस यू कैन Add integers in any order. तो आप integers को किसी भी उसमें add कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है students। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम आपके एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। चलिए
क्वेश्चन नंबर फोर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दे रखा है, -5 + -8 = -8+, यहाँ फिलअप लिखने हैं और फिलअप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट में जो कुछ है वो राइट में भी होना चाहिए, लेफ्ट में -5 है तो इधर -5 है नहीं तो लिख दिए, ठीक है फर्स्ट पार्ट। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड देखिए -53 + so on = यहाँ आ जाएगा -53। -53 में मैं किसको जोड़ूंगी सेम रहे, ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, पढ़ाई है आपको, ठीक है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स कि मैं इंटीजर्स को किस में जोड़ूं कि वही आंसर रहे, तो जीरो, क्योंकि जीरो में आप किसी को भी जोड़ दो आंसर वही रहता है। थर्ड बात की बात करते हैं, थर्ड जो है 17+ = 0, 17 में मैं किसको जोड़ूं कि मेरा आंसर जीरो आए, तो ये याद होगा मैंने एडिटिव इनवर्स की बताई थी कि एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर 17 लिखा है ना तो आपका एडिटिव इनवर्स -17 होगा, क्योंकि उसमें से उसको माइनस करने पे आपका आंसर जीरो हो जाएगा। यहाँ कितना लिखेंगे -17, इसको समझो 17+ -17, अगर आपने ऐसा करा तो 17 - 17 होगा ना आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आंसर आपका, तो यही हम कहना चाहते थे। अभी फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं तो क्या आ जाता है, 13+ -12+ so on करोगे तो किसके बराबर आया आपका, 13+ -12+ -7, देखो 13+ -12 करोगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर करने, अब देखो क्या कम है, 13 इधर भी है इधर भी है, -12 इधर भी है इधर भी है, तो -7 बचा, लिख दो, ठीक है हो गया, अंडरस्टूड। फिफ्थ, -4+15+-3 = -4+15+0, बस देखो क्या कम है, -4 इधर है 15 इधर है, क्या नहीं है, -3 नहीं है, लिख दीजिए हो गया आंसर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कवर किए आपके एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस, और कुछ पार्ट्स के मैंने आपको एग्जांपल ज़्यादा दे दी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है उसमें मैंने 4-4 एग्जांपल लगाई हैं, चारों लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एक आधी पूछ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्जांपल्स आपको पूछ लिए होंगे कि ऐसे 2 पेयर्स बता दो, तो मैंने आपको ज़्यादा इसलिए करवाए हैं क्योंकि एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर की मर्जी है वो 1 पूछे 2 पूछे 3 पूछे, तो यू हैव टू बी कीप इन माइंड ऑल दैट कि इस तरीके से बनते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई लगे कमी है तो कमेंट में बताइए, और पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अगर इसको लगातार देख रहा है उसको मिस करे, सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और ऐसे मिलते रहिएगा, लगातार लेक्चर्स को अटेंड करिए, बहुत मज़ा आएगा इंटीजर्स को पढ़ने में, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, जय हिंद।